हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद भरत अरोड़ा। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर फिफ्थ ऑफ योर ईवीएस बुक। नेम ऑफ चैप्टर इज ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां। तो देखिए बच्चों, ये जो चैप्टर है ये आपकी ईवीएस का है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एक तरफ आपकी इंग्लिश की बुक है और उसी तरफ उसी बुक को जो हिंदी वर्जन है मैंने वो आपके सामने प्रेजेंट कर रखा है। जो चीज़ आपको यहाँ से समझ ना आए आप वहाँ से देख सकते हैं। कम अलोंग टू प्लांट ट्री, चलिए सब मिलकर पेड़ लगाते हैं। स्प्रेड ग्रीनरी एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली फैलाते हैं। ट्रीज आर द ग्रीन गोल्ड, पेड़ हरा सोना कहलाते हैं। हेल्प इन क्लीनिंग एयर, ये वायु को स्वच्छ करने में मदद करते हैं। ईच शुड प्लांट वन ट्री, हरेक को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। टू ईट द स्वीट फ्रूट्स, मीठे मीठे फल खाने के लिए हरेक व्यक्ति को एक एक पेड़ लगाना चाहिए। इफ देयर इज एनी पोएम और फोक सॉन्ग ऑन ट्रीज इन योर माइंड, प्लीज सिंग इन क्लास, अगर आपके दिमाग में पेड़ों पर कोई कविता हो या कोई लोक गीत आपको याद हो तो उसे कक्षा में आप सुनाइए। देयर आर मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज नियर बाई, हमारे आस पास बहुत सारे पेड़ और पौधे हैं। प्लीज टेल देयर नेम्स, हमें उनके नाम कक्षा में बताने हैं। तो बच्चों, इस पार्ट में एक है माही, माही और वो दूसरे हैं उनके अंकल। तो देख रहे हो ना बच्चों, ये है माही और ये जो बुजुर्ग हैं ये हैं उसके अंकल। लिखा ही हुआ है फिगर 5.1, माही विद हर अंकल इन द फार्म, खेत में माही अपने ताऊजी के साथ। माही वेंट टू फार्म विद हर अंकल, माही अपने अंकल के साथ खेत पर गई। देयर शी सा द ब्लूमिंग मस्टर्ड क्रॉप, वहां उसने लहलहराती सरसों की फसल देखी। लैंड कवर्ड विद येलो फ्लावर्स वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल, पीले पीले फूलों से भरी हुई धरती बहुत सुंदर लग रही थी। आप देख रहे हैं ना बच्चों, ये सरसों के फूल हैं। देवर वॉकिंग अलोंग द साइड्स ऑफ फार्म, वे खेत के किनारे चल रहे थे। दे सा मैनी ग्रोइंग प्लांट्स, और वहां उन्हें बहुत सारे उगे हुए पौधे दिखाई दिए। तो माही बोली, अंकल हु प्लांटेड दीज प्लांट्स, माही ने कहा अंकल इन पौधों को किसने, ताऊजी इन पौधों को किसने लगाया। अंकल ताऊजी बोले, सम वर प्लांटेड बाय योर ग्रैंडफादर, कुछ को तुम्हारे दादाजी ने लगाया। एंड सम गॉट जर्मिनेटेड बाय देमसेल्व्स, और कुछ अपने आप ही उग आए। दे रीच्ड टू द वेल ऑफ द फार्म, अब वो खेत के कुएं तक पहुंचे। देयर वॉज ए ह्यूज बनियन ट्री, वहां एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अंकल टोल्ड दैट इट वॉज प्लांटेड बाय हिज ग्रैंडफादर, ताऊजी ने बताया कि इस को मेरे दादाजी ने लगाया था। ग्रेजुअली दिस प्लांट बिकेम ए ह्यूज ट्री, धीरे धीरे ये पेड़ एक, ये पौधा एक बड़ा सारा पेड़ बन गया। रूट्स स्प्राउटेड फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, इसकी शाखाओं से जड़ें निकलने लगी। आप देख रहे हो ना बच्चों, ये बरगद के पेड़ की आप ये देख रहे हो ना, ये इसकी जड़ें हैं। जो पेड़ बड़े हो जाते हैं ना, बहुत बड़े बरगद जैसे पेड़, तो उनकी जड़ें धीरे धीरे जमीन में लग जाती हैं। जैसे ये देख रहे हो, ये लग गई है ना ऐसे।
These roots grow towards the land, और ये जड़ें धरती की तरफ बढ़ती हैं. They give support to this huge tree. इस तरह से वो इस बड़े सारे पेड़ को सहारा देने लगती हैं. Uncle told that when he was a child, he used to swing holding these roots. ताऊजी ने बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो इन जड़ों को पकड़कर झूलते थे. जैसे आप देख रहे हो ना, अब ये दोनों बच्चे माही हैं और ये लोग, ये देखो, ये उन लोग अपना झूला झूल रहे हैं. और इस फिगर का नाम है फिगर 5.2, माही स्विंगिंग विद द रूट्स ऑफ बनियन ट्री. बरगद के पेड़ की जड़ों के ऊपर झूला झूलते हुए माही. अब हमें पेड़ के बारे में बताया गया है, दोज विच हैव लॉन्ग एंड स्टाउट स्टेम, जिनका तना लंबा और मजबूत होता है, एंड हैव अ लॉन्गर लाइफ, और जिनकी एक लंबा जीवन होता है, आर नोन एज ट्री, उन्हें पेड़ कहा जाता है. वाइल दोज विच हैव फ्लेक्सिबल एंड स्मॉल स्टेम आर कॉल्ड प्लांट्स, और जिनका तना कोमल और छोटा होता है उन्हें पौधा कहा जाता है. तो माही ने पूछा, अंकल विच ट्रीज डिड यू प्लांट हेयर, आपने यहां पर कौन कौन से पौधे लगाए. अंकल बोले, आई प्लांटेड द पीपल द नीम एंड द मैंगो ट्रीज, मैंने यहां पर पीपल के, नीम के और आम के पौधे लगाए. आई वॉन्ट टू स्विंग ऑन द बनियन ट्री, तो माही बोली कि मैं बनियन, वो बरगद के पेड़ पर झूला लेना चाहती हूँ. अंकल बोले, यस यू कैन गो एंड स्विंग, हाँ हाँ जाकर झूल लो. इसके बाद क्वेश्चन आंसर है बच्चों, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. आगे हैं, दीज आर फ्लोवरिंग ट्रीज, ये फूलों के पेड़ हैं. हु प्लांटेड दीज, इन्हें किसने उगाया. तो अब आपको मैंने बताया ना कि पेड़ों पर फूल नहीं आते हैं, फूलों के पौधे होते हैं. दीज आर द फ्लोवरिंग प्लांट्स, ये तो फूलों के पौधे हैं. आई प्लांटेड दीज, इन्हें मैंने उगाया. ट्रीज आर टॉल वाइल प्लांट्स आर शॉर्ट, पेड़ तो लंबे होते हैं और पौधे छोटे होते हैं. इसके बाद माही बोली, ऑल दीज ट्रीज हैव ग्रीन लीव्स, सभी पेड़ों की हरी पत्तियां हैं. सी द लीव्स ऑफ नीम, नीम की पत्तियां देखो, दे आर स्मॉल वेयर एज पीपल ट्री हैव ब्रॉड लीव्स, नीम के पौधे की पत्तियां छोटी हैं जबकि पीपल के पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी हैं. नीम का जो पेड़ है उसकी पत्तियां छोटी छोटी होती हैं और पीपल के पेड़ की पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं. लीव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, तो अंकल ने बताया, ताऊजी ने बताया कि पत्तियां कई तरह की होती हैं. देयर साइज एंड एजेस वेरी, उनकी उनका जो आकार है, उनके जो किनारे हैं वो अलग अलग होते हैं. सम लीव्स हैव स्मूथ एजेस, कुछ पत्तियों के किनारे स्मूथ होते हैं, सीधे होते हैं. सम हैव स्पिटेड, और कुछ के जो किनारे हैं वो कटे फटे होते हैं. अंकल डू ऑल डिफरेंट लीव्स हैव द सेम टेस्ट, तो माई ने पूछा, ताऊजी क्या अलग अलग पत्तियों का स्वाद एक ही होता है. अब आपने नीम की पत्तियां खाई होंगी, वो कड़वी होती हैं. नो डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टेस्ट, नहीं अलग अलग पत्तियों का स्वाद अलग अलग होता है. माही ने कहा, अंकल बेसिल लीव्स हैव पंजेंट टेस्ट वेयर एज नीम लीव्स आर बिटर इन टेस्ट. तो माही ने कहा कि ताऊजी बेसिल मतलब होता है तुलसी, तुलसी की पत्तियों का स्वाद तीखा होता है जबकि नीम की पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है. द लीव्स ऑफ डिफरेंट ट्रीज हैव डिफरेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, अलग अलग पेड़ों की पत्तियों का
स्वाद और उनकी गंध अलग अलग होती है. वी शुड नॉट टेस्ट द लीव्स ऑफ ट्रीज विदाउट आस्किंग एल्डर्स. हमें अपने घर के बड़ों से पूछे बिना पत्तियों को खाना नहीं चाहिए, पत्तियों का स्वाद चखना नहीं चाहिए. फिर माई बोली, ताऊजी अंकल, लीव्स ऑफ मिंट एंड कोरिएंडर हैव प्लीजेंट अरोमा. जो कि पुदीना और धनिए की जो पत्तियां हैं उनसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है. तो अंकल ने बोला, वी ईट मैनी लीव्स एंड फ्रूट्स. हम बहुत सारी पत्तियां और फलों को खाते हैं. ठीक है बच्चों, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे. आगे हम चलते हैं. माँ ही बोलती है, अंकल वी गोट मैनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज. हमें पेड़ों से बहुत कुछ मिलता है. अंकल बोले, यस ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स एंड बर्ड्स गेट फूड फ्रॉम ट्रीज. पेड़ों से हम इंसानों को, जानवरों को और पक्षियों को भोजन मिलता है. ट्रीज आर हैबिटेट ऑफ मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स. पेड़ों पर बहुत सारे जंतु और जानवर रहते हैं. माही ने कहा, इन आवर हाउसेस डोर्स विंडो टेबल्स चेयर्स एटेक्स्ट्रा आर मेड अप ऑफ वुड. हमारे घर में भी दरवाजे खिड़कियां कुर्सी मेज ये सब लकड़ी के बने होते हैं. अंकल बोले, यस यू आर राइट. हाँ तुम ठीक कहती हो. गो इन द किचन एंड फाइंड आउट हाउ मैनी थिंग्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज. तुम रसोई में जाकर देखो कि कौन कौन सी वस्तुएं हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं. तो माही ने बोला, अंकल वाई हैव द लीव्स ऑफ सम ट्रीज टर्न्ड येलो एट आवर फार्म. हमारे खेत पर कुछ पेड़ों की पत्तियां पीली क्यों पड़ गई हैं? तब अंकल ने बताया, बेटा इन ऑटम सीजन, ऑटम होता है पतझड़, इन ऑटम सीजन इनिशियली सम ऑफ द लीव्स टर्न येलो एंड देन फॉल डाउन. पतझड़ में कुछ पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, पहले पीली हो जाती हैं और फिर वो गिर जाती हैं. सच फॉलिंग ऑफ लीव्स इज कॉल्ड डीफोलिएशन. इसको पत्तियों का गिरना कहा जाता है. आफ्टर डीफोलिएशन ग्रीन सॉफ्ट लीव्स स्प्राउट ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज. इट मेक्स देम ब्यूटीफुल. तो इसका अर्थ है कि जब पतझड़ के बाद में धीरे धीरे पेड़ों पर छोटी छोटी नरम हरी पत्तियां आने लग जाती हैं, जिससे कि पेड़ सुंदर लग जाते हैं. अंकल बोले, नाउ ऑटम सीजन इज टू कम. अब पतझड़ का मौसम आने वाला है. ग्रेजुअली लीव्स विल फॉल आफ्टर टर्निंग येलो. पत्तियां धीरे धीरे पीली होकर गिर जाएंगी. आफ्टर फॉलिंग ऑफ लीव्स ट्रीज विल नॉट लुक ब्यूटीफुल. तो माही ने कहा, अंकल पत्तियों के गिरने के बाद तो पेड़ सुंदर नहीं लगेंगे. अंकल ने बोला, आफ्टर सम टाइम स्मॉल ग्रीन लीव्स विल बिकम लार्जर एंड होल ट्री विल बिकम ग्रीन एंड ब्यूटीफुल. कुछ समय बाद छोटी छोटी हरी पत्तियां आएंगी, वो धीरे धीरे बड़ी हो जाएंगी और पूरा पेड़ हरा होकर सुंदर, हरा भरा होकर सुंदर हो जाएगा. तो बच्चों यहां पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच.